Hello my dear students, welcome to the selection classes. I hope you all are good. Dosto, CGL 2020 mains ka exam 28 January ko scheduled hai. And student community mein ek tarah se rumor sa phaila hua hai ki kya ye exam postpone hoga. Aur even maine bahut sare screenshot ya bahut sare matlab jagah news mein fake news par dekha कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है और जल्दी ही एसएससी का नोटिस आएगा इस पर लेकर. बट ऑफिशियली यदि हम बात करें तो देर इज नो सच न्यूज जिसमें हम ये बता पाए आपको कि एग्जाम जो है पोस्टपोन होगा या नहीं होगा. तो एज ऑफ नाउ आई रिकमेंड डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड. आप अपने पेपर को ये मान के चलिए कि आपका पेपर 28 जनवरी को ही होगा, क्योंकि इसके पीछे का एक लॉजिक जो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है और जो बड़ा कॉन्क्रीट लॉजिक है वो ये है कि जो एसएससी सदर रीजन वाला जो वेबसाइट है वहाँ पर एसएससी ने स्टेटस जारी करा है, एप्लीकेशन स्टेटस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन टायर टू एग्जामिनेशन. सो इस बात का सिंपल सा इंडिकेशन है कि पेपर जो है वो पोस्टपोन नहीं होने वाला है ड्यू टू कोविड conditions एज ऑफ नाउ. बट फर्दर अभी हम इस बारे में कुछ भी आपको ऑफिशियल जानकारी नहीं दे रहे हैं, बट हम करंट का बता रहे हैं दैट देर इज नो सच ऑफिशियल न्यूज. तो आप बिल्कुल अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, डोंट बी डिस्ट्रक्टिव, र्यूमर्स में ना आइए, क्योंकि यदि कुछ भी इस तरह का नोटिफिकेशन होगा डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू ऑन टाइम. ठीक है, तो अभी का लेटेस्ट अपडेट दोस्तों यही है कि एसएससी की तरफ से कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं है, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें ये मैं आपको बता पाऊँ कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होने वाला है ड्यू टू कोविड सिचुएशन. तो आप अपनी तैयारियों को अच्छे से करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं. और ये जो करीब करीब आज यदि हम बात करें तो 13 जनवरी हो गई है, 15 दिन दोस्तों बचे हुए हैं. तो इन 15 दिनों में आप अपने स्कोर को बूस्ट करना शुरू कर दीजिए. कैसे कर सकते हैं, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी 30 दिन वाली स्ट्रेटेजी डाली थी, आप उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डब्बे में. और एक और वीडियो दोस्तों मैंने अभी अपलोड करी ज्योमेट्री की, तो मेन से पहले आप भी यदि ज्योमेट्री को रिवाइज करना चाहते हैं और आपका सपोर्ट रहेगा तो पूरी ज्योमेट्री का मैं रिवीजन कराऊंगा. एक वीडियो मैंने अपलोड करी है रिसेंटली, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो. आप उस वीडियो को देखिए और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट और कंसेप्ट है वो मैंने वहाँ पर डिस्कस करे हैं. डेफिनेटली यदि आपका सपोर्ट रहेगा और आपके कमेंट्स अच्छे होंगे, फीडबैक अच्छा आएगा, तो हम उस वीडियो को कंटिन्यू करके पूरी ज्योमेट्री को आपको एक तरह से रिवीजन कराएंगे. तो अभी 15 दिन है, 15 दिनों में एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लाइक ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, उनका आप कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कर सकते हैं और करना शुरू कर दीजिए. बिकॉज ये जो फॉर्मूले होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ होता है, इतना सिंपल होता है, कभी कभी आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत होती है जो डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में होता है. तो यदि आप डायरेक्ट रिजल्ट अपनी मेमोरी में रजिस्टर कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन. बिकॉज 2 से 4 नंबर आपको रैंक वाइज बहुत ऊपर ले जाते हैं, 2 से 4 नंबर का बहुत बड़ा खेल हो जाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि हम बात करें. तो आई रिक्वेस्ट, आई रिकमेंड कि प्लीज़ डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, अपनी प्रिपरेशन जैसे आप कर रहे थे ऐसे ही करते रहिए. और जो आपका मेंस का जो स्केड्यूल है उसको अभी एसएससी बिल्कुल अडेयर करे हुए है. इस बात का एक मैंने प्रूफ भी बताया कि सदर रीजन का जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है. तो इट मीन्स एसएससी के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है जिसे सोचें कि अभी जो है कोविड की वजह से एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होने वाला है. तो मैंने आपको सिंपल सी एक बात बता दी है कि डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, बिल्कुल ना डिस्ट्रैक्ट होइए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए. जहाँ तक इन 15 दिनों की हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो ऐसा कोई देखो खास मैजिक स्टिक किसी भी टीचर के पास नहीं होती है कि आपके 15 दिनों में बहुत कुछ करा दे या बहुत कुछ आपसे छीन ले. वाट एवर यू हैव लर्न इन दिस अराउंड 6 मंथ हम बोल सकते हैं, इन 6 महीनों में जो भी आपने सीखा है, और यदि हम नोटिफिकेशन से बात करें 2020 के, तो काफ़ी कुछ आपने लर्न किया होगा. अब उस लर्निंग का डिलीवर करने का एक्चुअली में राइट टाइम आ चुका है. तो अब आप सिंपल दोस्तों जो लास्ट 15 दिनों की स्ट्रेटेजी मेरे दिमाग में और जो मैं करता था या मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि जितने ज़्यादा आप मॉक लगा सकते हैं ट्राई टू टेक द टेस्ट ऑफ दोज मॉक पेपर, उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए. जहाँ पे आपका वीकर सेक्शन है उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए, बिकॉज वीकर सेक्शन जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे डेफिनेटली आप पीछे ही रह जाएंगे.
तो और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं लाइक मेंसुरेशन हो गया, फिर मैथमेटिक्स की बात करें, ज्योमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जहाँ पर मतलब अच्छे सवाल बनते हैं, तो उन पर थोड़ी सी आप कमांड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी 15 दिन है, 15 दिन बोले तो 360 घंटे हो गए करीब, एक तो काफ़ी टाइम अभी भी है उन बच्चों के लिए जिनके बाकी चैप्टर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बट ये थोड़ा सा वीक सेक्शन है। तो आने वाले टाइम में मैं यहाँ पर और भी वीडियो अपलोड करूँगा, और मेंसुरेशन की भी, ज्योमेट्री की भी, अलजेब्रा की भी, और इम्पॉर्टेंट जो सवाल है वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, और मेंस का एग्ज़ाम डेफिनेटली यदि आप जुड़ेंगे तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे, डेफिनेटली मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ। तो आप डेली मॉक लगाइए, एक मॉक इंग्लिश का, एक मॉक मैथ्स मैथमेटिक्स का, ऑनलाइन लगाना ऑनलाइन लगाइए, यदि आप ऑनलाइन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप PDF फॉर्म में मॉक लगाइए, और 2 घंटे का टाइमर सेट करके आप देखिए कि आप कितने सवाल सही अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितने सवाल आप गलत कर पाते हैं, और क्या पूरा पेपर सॉल्व भी कर पाते हैं नहीं भी कर पाते हैं। तो यदि आपको मॉक पेपर नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस पे ज्वाइन होइए, वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस पेपर्स मैं प्रोवाइड करूँगा PDF फॉर्म में। आप उन PDF फॉर्म को या तो ऑनलाइन या तो मोबाइल में सेव करके उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं, और अपने एक तरह से प्रिपरेशन को जज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस ओनली फॉर द मॉक पेपर, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है कि हम लोग पढ़ पाएँ, पढ़ना है तो आप थोड़ा सा 1-2 घंटे जैसे वीडियो देख लिया या फिर आपके जो नोट्स हैं उनमें से पढ़ लीजिए, बट अल्टीमेटली मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप मॉक पेपर लगाइए, बिकॉज मॉक पेपर लगाने से ही आपकी जो स्किल्स हैं या जो आपका एक आउटपुट है वो निकल के आएगा कि आप कितने पानी में हैं। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि जब आप मॉक पेपर लगाने बैठते हैं तो मॉक पेपर जो सेट करने वाले हैं वो थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का मॉक पेपर सेट कर देते हैं, या फिर जो क्वेश्चन शुरू में होते हैं वो थोड़े से टफ डाल देते हैं। तो कभी कभी जब आपको ऐसा लगे कि शुरू के 4-5-10 सवाल बहुत टफ है, तो आप क्वेश्चन पेपर को पीछे से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला होता है वो बच्चों की एक साइकोलॉजी होती है कि वो शुरू से ही पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, 90% ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं, और वो शुरू में अपना टाइम जो है वो गवा देते हैं, जो कि बहुत क्रूशियल टाइम होता है। तो आप यदि ऐसा लगता है कि यार शुरू के क्वेश्चन आपसे नहीं हिल रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो बैक साइड से क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करिए, और डेफिनेटली जब आप बैक साइड से करेंगे तो आपके क्वेश्चन भी होने लगेंगे, बिकॉज लास्ट में क्वेश्चन थोड़े ईजी होते हैं, और उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आपका ब्रेन जो है वो तेज़ी से वर्क करने लगेगा। इट इज़ ये बहुत अच्छी मतलब एक स्ट्रेटेजी है, आप इसको करके देखिए, और जो आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं उनके ऊपर वर्कआउट कीजिए उनके ऊपर। डेफिनेटली जब आप वर्कआउट करेंगे तो यदि वो सवाल नेक्स्ट मॉक में या उसके नेक्स्ट मॉक में दिखेगा तो आप उसको सही करने का पूरी तरह कोशिश करिए, बिकॉज यदि आप अपनी गलतियों के ऊपर काम नहीं करेंगे देन इट विल गोइंग टू हर्ट यू अलॉट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी आपके लिए है, और यही मेरा आपसे एक तरह से निवेदन है कि आप अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल भी ना डिस्ट्रैक्ट होने दीजिए, पेपर टाइम से होगा एज ऑफ नाउ, यही मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, और यही आपके पास भी इन्फॉर्मेशन यदि है तो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन है। आप र्यूमर्स में ना आइए, ऐसे ग्रुप जहाँ पर इस तरह के स्क्रीनशॉट चलते हैं, फेक न्यूज़ पेज चलती हैं, तो आप उस थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए, और लास्ट के जो 15 दिन हैं आप अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश कीजिए सोशल मीडिया से, खासकर फेसबुक और व्हाट्सअप वगैरह से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है। यदि आपका मन है पढ़ना चाहते हैं तो आप YouTube पे कोई भी वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और सबसे बेस्ट तो दोस्तों सेल्फ स्टडी होता है। आप अपने नोट्स यदि आपने बनाए हैं तो आप नोट्स को पढ़िए, रिवाइज करिए। इंग्लिश की यदि हम बात करें, इंग्लिश में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, बच्चों के कमेंट भी आते हैं सर इंग्लिश के लिए क्या करें। तो इंग्लिश के लिए दोस्तों मॉक पेपर तो जैसे मैंने बोला लगाना ही लगाना, आप वोकैबुलरी सेक्शन को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, idiom phrases डेली 10 से 15 idiom phrases आप रिवाइज करिए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया और आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए, आप इन सबको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि डायरेक्ट आपको नंबर दे सकता है। दूसरा, जो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उनके जो रूल्स हैं आपको टिप्स पर होने चाहिए, वो एक्चुअली गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि 20-20 सवाल ऑलमोस्ट आते हैं एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के, तो वो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने आने चाहिए और वो गलत नहीं होने चाहिए, उनके रूल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस पर काम करिए। क्लोज टेस्ट, जो क्लोज टेस्ट होता है दोस्तों वो सबके लिए कॉमन सा होता है, किसी का अच्छा हो जाता है किसी का बुरा हो जाता है, तो उस पर परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं, जो आपका स्कोरिंग एरिया है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वोकैबुलरी सेक्शन हो गया और आपकी ग्रामर, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए,
और ग्रामर के रूल्स हो गए, आप इनको बिल्कुल अच्छे से थॉरली रिवाइज कर लीजिए, और मॉक पेपर है बिल्कुल ईमानदारी से दीजिए, कोई चीटिंग नहीं करना उसमें, देखना आपके मार्क्स जो है वो एनहेंस होने शुरू हो जाएंगे एग्जाम आते आते हैं। ठीक है, यदि आपको मॉक पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो सिलेक्शन क्लासेस के नाम से, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा और वो पीडीएफ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है यदि आप अच्छे से शिद्दत के साथ में प्रिपरेशन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अल्टीमेटली लास्ट कमेंट यही है कि एज ऑफ नाउ नो सच न्यूज़ के पेपर जो है वो पोस्टपोन होगा, तो अपनी प्रिपरेशन जैसे आप कर रहे हैं उसी मोड में करते रहिए, डोंट बी इन कम्फर्टेबल मोड, रिलैक्स होने का भी कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।